सामने स्किन है, क्रीम पाउडर से मेकअप करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना चाहते हो तो ये वाली वीडियो आपके लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी स्किन को बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट करना, यानी कि स्किन को प्रिपेयर करना। चाहे आप हाई कवरेज वाला मेकअप करो या नॉर्मल मेकअप करो, अपनी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए क्या करना है, एक मॉइस्चराइज़र ले लेना है, नहीं है तो स्किप कर देना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपने मॉइस्चराइज़र लेना ही लेना नहीं। आप कोई भी कोल्ड क्रीम वगैरह, 10 रुपये की फ्रूट क्रीम, ये सब लगा सकते हो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ले लिया लैक्मे की बेबी क्रीम, ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। आजा जब मुझे ऐसा कुछ मेकअप करना रहता है, जैसे मैं बहुत हैवी पे नहीं जाती, लगता है यार लाइट वेट कुछ लगा लो, बस हल्का सा ले लो और पूरे फेस पे अप्लाई कर लो बिना ब्यूटी ब्लेंडर, बिना ब्रश के, ठीक है। तो यहाँ पे लैक्मे की मैंने क्रीम ली है, शेड मुझे याद नहीं, बहुत दिन के बाद मैंने इसे लगाया है, क्योंकि इधर भी ना बहुत बिजी सी लाइफ चल रही थी तो कुछ मेकअप वेकअप नहीं हो पा रहा था। तो अभी मैंने कहा चलो फिर से मैं अपने वीडियो पर फोकस करती हूँ और मेरा ऑल टाइम फेवरेट, जी हाँ, मेबेलिन। अगर आपकी स्किन जो है ना बहुत सामली सी है और डल सी है तो ये वाला कॉम्पैक्ट आपके लिए बहुत बेस्ट होने वाला, क्योंकि बहुत अफोर्डेबल, बहुत अच्छा, आपकी स्किन टोन से बहुत अच्छे से जाएगा, ठीक है। अभी मैंने काजल लिया है, सॉरी आइब्रो पेंसिल लिया है, ये लेटेस्ट ही मैंने अभी जस्ट मंगाया। इससे पहले आप देखोगे मैं 10 रुपये 20 रुपये वाली आइब्रो पेंसिल पे ज़्यादा जाती थी, बट जब से मैंने इसे मंगाया ना बहुत अच्छा है, ये बहुत ब्राउन शेड में है, काफ़ी अच्छा है और लगने के बाद पता ही नहीं चलता कि आपने आइब्रो सेट की है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ले रही फेसेस कनाडा का काजल, मेबेलिन फेसेस कनाडा, दो ऑप्शन आपके पास है, कोई भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपका काजल फैलता है तो बेस्ट है, उसके ऊपर थोड़ा सा कॉम्पैक्ट ले लो, सेट कर लो, उसके बाद फिर से काजल लगा लो, फिर से सेट कर लो, कभी भी आपका काजल जो है नहीं फैलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस हमने काजल लगा लिया, आईब्रो पेंसिल लगा ली, अब क्या बात जी हाँ लाइनर की। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ लिप लाइनर, अगर आप लिप लाइनर लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, वरना स्किप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद फटाफट से हम लगा लेंगे लिपस्टिक, बट वो वाली क्लिप नहीं रिकॉर्ड हो पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी थी उस दिन में। आप सभी को पता है रक्षाबंधन पर मैंने ये वाला मेकअप लुक क्रिएट किया है और ये मेकअप लुक आप हर छठ, तीज, करवा चौथ कभी भी कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्रीटी सा मेकअप लुक है। सो चलो मिलती एक प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए।